व्याकरण क्या है आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। व्याकरण वास्तव में किसी भाषा की प्रणाली है। लोग इसे प्रायः भाषा के नियम के रूप में विस्तृत करते हैं, पर वास्तव में भाषा के कोई नियम नहीं है। यदि हम नियम की बात करें तो नियम पहले बनते हैं, फिर खेल की तरह भाषा का निर्माण होता है। भाषा की शुरुआत शायद इस तरह नहीं हुई है। वास्तव में भाषा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से भावनाओं का आदान प्रदान है। वक्त के साथ शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों में लोग इसे विकसित करते गए और आज वह भाषा या बोली के रूप ले लिए हैं। सभी भाषा समय के साथ बदलती रहती है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वास्तव में किसी विशेष समय में भाषा का प्रतिबिंब है। तो क्या हमें भाषा सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन की आवश्यकता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं। दुनिया के कई लोग व्याकरण के अध्ययन किए बिना सरलता एवं निपुणता से बोलते हैं। हमें ही ले लीजिए, हमें हिंदी व्याकरण का कितना ज्ञान है और हम किस तरह से बोलते हैं। लेकिन यदि बात हो अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा सीखने की, तो शायद पहले हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। यह आपके कुशलता, तेजी और सरलता से सीखने में मदद करता है। जब एक भाषा की प्रणाली व्याकरण को समझते हैं, तो आप किसी व्यक्ति या किताब के बिना ही समझ सकते हैं। तो ये रहा व्हाट इज ग्रामर का डिफिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस के साथ।